वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। वेल फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम रिव्यू करने वाले हैं अर्जुन कपूर, संजय दत्त, कृति सैनन, आशुतोष गोवारिकर द्वारा डायरेक्टेड फिल्म पानीपत के ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में। वेल फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि अर्जुन कपूर उस प्राणी का नाम है जिसे कितना भी भिगो भिगो कर मारो या फिर कितनी बार भी एक्टिंग क्लास में कम से कम एक डजन क्लासेस उसे ज्वाइन करा दो, वो सुधरने वाले लोगों में से नहीं है। एंड गाइज, मुझे पता नहीं आशुतोष गोवारिकर जैसे इतने बड़े वेटरन डायरेक्टर ने ऐसी ऐसी आइकॉनिक फिल्म जो बंदे ने बनाई है, ही इज मेड लगान। आई मीन आइकॉनिक बोलने की जरूरत भी नहीं, लगान ही नाम एक एक छाप, एक ब्रांड है आशुतोष गोवारिकर की। जोधा अकबर आइकॉनिक फिल्म, स्वदेश शाहरुख खान की आइकॉनिक फिल्म, ये तीन फिल्में बनाकर पता नहीं आशुतोष गोवारिकर जी को क्या हो गया, क्या काटा उनको कि आजकल वो जो भी फिल्म बना रहे हैं वो या तो फिर फ्लॉप हो रही है या तो फिर अल्ट्रा डिजास्टर्स हो रही है। एंड दिस फिल्म पानीपत लुक्ड डिजास्टर राइट फ्रॉम इट्स फर्स्ट लुक। लिटरली स्पीकिंग, ये प्रोजेक्ट क्यों बना? ये प्रोजेक्ट किसी शक्ति कपूर के बेटे के साथ बनाते तभी भी फिल्म हिट हो जाती थी, लेकिन मैं अभी से कह रहा हूं दिस फिल्म इज अ डिजास्टर ऑन द ट्रेलर इटसेल्फ। अर्जुन कपूर कैन नॉट एक्ट, अर्जुन कपूर इज अ मिजरी टू बॉलीवुड, ही इज अ ब्लॉट ऑन एक्टिंग। यहाँ पर रिलायंस का कम से कम 100 करोड़ से ऊपर का बर्बादी कर दी है तुम लोगों ने फिल्म बना के, आइकॉनिक फिल्म। मैं यहाँ पे फिल्म के बारे में बुराई भी नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज अबाउट द मराठा वॉरियर्स। इन्होंने फिल्म दिखाती है मराठा वॉरियर्स की जंग, किस तरह से उन्होंने अफगानियों के साथ लड़े थे। इट्स अबाउट द पानीपत बैटल। यू आर लिटरली हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ मराठास बाय मेकिंग अर्जुन कपूर एज द हीरो इन दिस फिल्म। शैबी, ब्लैबी, ब्लोटेड, ओबीस, ऐसे वॉरियर्स नहीं होते मेरा भाई। पर उसको सर मुंडवा के, उसका उसको एक छोटा सा शेंडी लगा के वो हीरो बनता नहीं है, वॉरियर। सस्ती कॉपी लग रही है ये फिल्म बाजीराव मस्तानी की। लिटरली स्पीकिंग, व्हाट आर यू ट्राइंग टू मेक मैन? ओह हॉरिबल। दूसरी बार देखा तब जाके ट्रेलर थोड़ा अच्छा लगा, तीसरी बार समझ में आया हाँ ठीक है अर्जुन कपूर को इग्नोर करना पड़ेगा। लेकिन जनता इतना पेशेंट नहीं है मेरा भाई कि अर्जुन कपूर जो फिल्म का हीरो है उसको इग्नोर कर दो। यहाँ पे मेरे को कोई खुन्नस अर्जुन कपूर से नहीं है, कोई पंगे नहीं है उसके साथ मेरे को। लेकिन तुम लोग को भी इंसान लोग ट्रेलर देख के आओ फिर बताओ कि डज दिस फिल्म डिजर्व अर्जुन कपूर और नॉट। रिडिक्यूलस मैन, क्या डायलॉग डिलीवरी है, हॉरिबल गाइज। लेकिन सीरियसली, अब फिल्म बन चुकी है, अब ट्रेलर आ चुका है, अब इसका कुछ नहीं किया जाता। लेकिन इस फिल्म के ट्रेलर में बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं अर्जुन कपूर को अगर मैं साइड में कर दूं तो। एनडी स्टूडियोज, एक जमाने में हम लोग स्पेशली जोधा अकबर के सेट्स देखने के लिए कर्जत जाया करते थे एनडी स्टूडियोज में, वो एक आइकॉनिक फिल्म थी। आज उसी का कोर्टयार्ड जहां पर ऋतिक रोशन बैठता है अकबर बनकर, वो वापस से यूज किया गया इस फिल्म में। एंड द सेट्स बाय नितिन चंद्रकांत देसाई इज एब्सोल्यूटली अमेजिंग। द कॉस्ट्यूम्स बाय नीता लुल्ला आर माइंड ब्लोइंग। वापस से आपको उस एरा में लेकर जाते हैं गाइस, इस एरा में ये फिल्म बेस्ड है। माइंड यू गाइस, ये फिल्म 1761 में सेट है, 1761 में सेट है। अब गाइज यहां पर सदाशिव राव भाव यानी कि अर्जुन कपूर जो मराठा आर्मी के चीफ इन कमांडर है, वो यहां पर जंग छेड़ते हैं अगेंस्ट अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली इज प्लेड ब्यूटिफुली बाय संजय दत्त। मैं यहाँ पे अब्दाली की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे संजय के कैरेक्टर की तारीफ कर रहा हूँ। वरना कमेंट सेक्शन में कुछ पागल आके बोलेंगे तुझे अफगानिस्तान रूलर से वो उसकी तारीफ कर रहा है बैठ के। मैं यहाँ पे कैरेक्टर की तारीफ कर रहा हूँ। द मराठा वॉरियर इज इंसल्टेड बाय अर्जुन कपूर इन दिस फिल्म। सीरियसली उनकी आत्माएं तड़प रही होगी अर्जुन कपूर को इस फिल्म में देखकर, इतना भद्दा एक्टर। डायलॉग डिलीवरी का नामो निशान नहीं, ठिकाना नहीं, पैसे की बर्बादी है आदमी सीरियसली। एंड किस तरह से ये जो जंग छिड़ती है दोनों के बीच में, वो जो तीसरी जंग थी पानीपत की उसको अंजाम देती है। वेल फ्रेंड्स, इस फिल्म की स्टारकास्ट इज सुपर्ब। संजय दत्त इज ब्यूटिफुल इन दिस मूवी। कृति सैनन लुक्स रियली अडोरेबल। पद्मिनी कोल्हापुरी जी, यस फ्रेंड्स, पद्मिनी कोल्हापुरी जी इस फिल्म में है। मोनीश भाल इज लुकिंग फैंटास्टिक। कुणाल कपूर, सुभाषिनी मूले जो यहाँ पर उसी तरह किरदार निभा रही है जो तन्वी आजमी ने निभाया था इन बाजीराव मस्तानी एज द विडो, वो काफी अच्छी लग रही है, अपीलिंग लग रही है। जीनत अमान जी है इस फिल्म में। एंड गाइज, यहाँ पर बहुत सारे मराठी एक्टर्स है, कृतिका देव, श्याम मसालकर, विनीता महेश, तो काफी अर्धी कैरेक्टर्स ली गई। ये आप अगर कोई मराठी एक्टर को लेके बना देते थे सीरियसली,
स्वप्निल जोशी भी चलता था लिटरली मराठी सिनेमा से, उसको भी लेकर अगर यू नो अर्जुन कपूर का रोल है तो भी मराठी महाराष्ट्रियन पीपल वुड कम एंड सीन दिस फिल्म। काय घोटाला केलंय तुम्ही आशुतोष गवारीकर, हे अर्जुन कपूरला घेऊन हे फिल्म मध्ये, हे कोणत्या अँगलला तुम्हाला मराठा दिसतंय, हे मराठा वॉरियर बनवलंय तुम्ही तिला, काय तुम्ही बघितलं नाही फिल्म, त्या दोडे मिटून फिल्म बनवलंय तुम्ही, हां तिची डायलॉग डिलिव्हरी बघा कसं ते दिसतं स्क्रीनवर, काय मजाक केलंय तुम्ही मराठी फिल्म, हां मराठी फिल्म पण अशा छान ऍक्टर असतात मराठी फिल्ममध्ये, रिडिक्युलस मॉकरी। वेल फ्रेंड्स गाने देखने लायक होंगे, लिरिक्स बाय जावेद अख्तर है ऑब्वियसली इस फिल्म में, डायलॉग्स बाय अशोक चंद्राकर को थोड़ी बहुत जान लाएंगे। वेल फ्रेंड्स प्रोड्यूसर जो भी है इस फिल्म के, गॉड ब्लेस देम, सुनीता गोवारीकर, रोहित शेलादकर, चिक्कार पैसा जाया गया इस फिल्म में, चंद्रशेखर धावेलकर, रंजीत बहादुर, आदित्य रावल, इन लोगों ने इस फिल्म की यू नो स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले लिखी है, एंड सिनेमाटोग्राफी में मुरलीधरन सी के, स्पेशल मेंशन बहुत अच्छा है, ब्रिलियंट। द फिल्म लुक्स विजुअली मैसिव अपीलिंग, द वॉर, द हॉर्सेज, द VFX, द CG, यू नो बाय विशाल त्यागी, एवरीबडी सो गुड, कोरियोग्राफी बाय राजू खान ने जोधा अकबर की भी कोरियोग्राफी की थी, हेयर एंड मेकअप बाय विक्रम गायकवाड, एडिटर स्टीवन बर्नर्ड, साउंड रिकॉर्डिंग शरद मोहन, ब्यूटिफुल कैनवस पे फिल्म दिख रही है। कुछ लोग होते हैं जो नो क्रिटिक्स को सिखाते हैं कि फिल्म के 12 एस्पेक्ट्स होते हैं फिल्म मेकिंग के, उसके बारे में तो बात करो, सिर्फ एक अर्जुन कपूर को लेकर बैठो तभी मैं इतना भाषण दे रहा हूँ बैठ के, कि एवरीवेयर ट्रेलर लुकिंग फैंटास्टिक अपार्ट फ्रॉम अर्जुन कपूर, लेकिन जब आपका मेन बैट्समैन सचिन तेंदुलकर ही उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाएगा तो क्या सचिन तेंदुलकर लंगड़ी करके बैटिंग करने के लिए आएगा? अर्जुन कपूर या डिजास्टर मैन, उसको क्यों पिक्चर में लेते मेरे को कोई समझ में नहीं आता। हो गया, इस एपिसोड पसंद है एपिसोड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप खुद देखिए, डिसाइड कीजिए, स्टे कूल मैन कपूर। कपूर अर्जुन कपूर कपूर।